हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी खबरों को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, बड़ी खबर, पटना की निचली अदालतें 1 मई तक बंद, केवल रिमांड से संबंधित कार्य किए जाएंगे। जुडिशियल अफसरों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने का निर्देश। राजधानी पटना में वैश्विक महामारी कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण तथा महामारी के चेन को तोड़ने व सुरक्षा के मद्देनजर पटना न्यायमंडल की सभी अदालतों में 1 मई तक के लिए सभी न्यायिक कार्यों को बंद कर दिया गया है। इन अदालतों में रिमांड के अलावा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने आवास पर ही रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वह दोस्तों, बिहार में बस में पान गुटखा खाकर चढ़ने वाले पर जुर्माना। परिवहन विभाग ने DMSP को भेजा पत्र। सार्वजनिक परिवहन में थूकना कोरोना गाइडलाइन तोड़ना माना जाएगा। बसों में पान गुटखा और खैनी खाकर चढ़ने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर जिला प्रशासन को ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान और तंबाकू खाकर यात्रा करते हैं और यहाँ वहाँ थूकते हैं। परिवहन विभाग ने इसे लेकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन माना है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से ट्रेनों की स्पीड पर ब्रेक लग सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में रेलवे के ज़्यादातर युवा अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जो ट्रेनों के संचालन से सीधे जुड़े हैं और जो फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं। ट्रेन ऑपरेशन में ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर, इन तीनों का रोल अहम है, लेकिन ये लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हाजीपुर मुख्यालय से लेकर सभी 5 रेल डिवीजनों में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक कुल 2251 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बिहार के वेदर रिपोर्ट के बारे में बात कर ले तो पटना समेत बिहार के 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी। राज्य के कई इलाकों में हुई बारिश, कहीं से भी बिजली गिरने की खबर नहीं। अगर आप या आपके परिजन पटना, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज जिले में हैं तो यह अलर्ट आप ही के लिए है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों के कुछ भागों में आज सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक वज्रपात और मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी थी। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की व मध्यम बारिश तो हुई, लेकिन कहीं से बिजली गिरने की सूचना नहीं मिली है। वहीं दोस्तों, बिहार NDA के सांसद, केंद्रीय मंत्री क्या झाल बजा रहे, तेजस्वी ने साधा निशाना। राज्य में वैक्सीनेशन धीमा, संपूर्ण टीकाकरण करने में 9 साल लग जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही दिल्ली में हैं। कोरोना की वजह से कोर्ट बंद है, इसलिए लालू प्रसाद को जमानत मिलने में देर हो रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार द्वारा बिहार के 18 वर्ष और इससे ऊपर के सभी बिहारवासियों को मुफ्त में टीकाकरण की घोषणा पर शुक्रिया कहा है, लेकिन उन्होंने इसका क्रेडिट विपक्ष को दिया है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़े प्लान की मांग की है। उन्होंने टीकाकरण अभियान की सुस्त चाल पर भी सवाल खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 39 NDA सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहारवासियों से माफ़ी मांगने को भी कहा है, क्योंकि वो संकट की इस घड़ी में जनता के किसी काम नहीं आ रहे। वहीं दोस्तों, अब बिहार में लालटेन वाले करेंगे इलाज। RJD ने बनाई 13 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम, नंबर जारी कर तय किया इलाज का समय। लालटेन यानी RJD अब लोगों के इलाज के लिए मैदान में है। डॉक्टरों की 13 सदस्यीय टीम बनाकर कोरोना काल में आम लोगों की सेहत से जुड़ी समस्या का समाधान करेंगे। राजद का चिकित्सा प्रकोष्ठ इस काम में लग गया है और गुरुवार से इस व्यवस्था को प्रभावी कर दिया गया है। इसके लिए डॉक्टरों का नंबर और उनका समय भी जारी किया गया है। ये रहे डॉक्टर के नंबर, समय के हिसाब से लगाएं फ़ोन। डॉक्टर अभय कुमार, डॉक्टर गुरुदेव, डॉक्टर शादाब, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर हिमांशु कुमार राय। इस तरह से दोस्तों ये पूरी लिस्ट जो है RJD ने जारी की है। वहीं दोस्तों, बिहार में अब कोरोना काल बनता जा रहा है। अब 24 घंटे में जो आंकड़े आए हुआ है यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि इसे काबू करने का हर उपाय अब फेल होता नजर आ रहा। बुधवार को भी वायरस ने 56 लोगों की जान ली थी, जबकि 12,222 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि पटना मेडिकल कॉलेज में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। बुधवार को जांच की रफ्तार भी काफ़ी तेज रही और गुरुवार को भी यही हालात रहे। दोस्तों, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन, CM नीतीश का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त टीका देने का ऐलान कर दिया है। देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ा ऐलान किया है। CM ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 1 मई से बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी।
नीतीश कुमार ने कहा कि सभी बिहार वासियों को राज्य सरकार मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाएगी। आपको बता दें कि बिहार में 45 साल से ऊपर के लोगों को भी मुफ्त में ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान के शुरू होने के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। अब जबकि 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, तो एक बार फिर राज्य सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की भी जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, पुलिस कर्मियों में दिखी कोरोना का लक्षण तो सभी को मिलेगी छुट्टी। कोरोना का लक्षण दिखने पर पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जा सकती है, पर यह छुट्टी सशर्त होगी। किसी पुलिस अधिकारी या जवान में कोरोना का लक्षण दिखता है तो स्वास्थ्य आधार पर उनके द्वारा छुट्टी देने के आवेदन को स्वीकार करने पर विचार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों और पुलिस कर्मियों के भी इससे अछूते नहीं रहने के बाद यह दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना से पुलिस कर्मियों के बचाव के लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाए गए IG मुख्यालय राकेश राठी ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें से एक छुट्टी लेकर भी है, और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर कोई पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो उस पर विचार भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, बिहार को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटा के तहत कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए रेमडेसिविर दवा का कोटा तय करने की तैयारी कर ली है। वहीं दोस्तों, पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 05734 कटिहार अमृतसर कटिहार स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है, और बताया गया कि इस ट्रेन में सभी को आरक्षित श्रेणी के होंगे और इसमें यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को COVID-19 के मानकों का पालन करना होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल 2021 से यह स्पेशल ट्रेन कटिहार से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अमृतसर के लिए खुलेगी। तो दोस्तों, बिहार की खबर में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार के हर एक जिलों की जानकारी लगातार मिलती रहे।